कंफिगर करते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल। इन्वायरमेंट वेरिएबल कहाँ पे कंफिगर होते हैं उसके लिए आपने जाना है माई कंप्यूटर में, दिस पीसी की प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टीज़ में जाके आपने एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाना है। एडवांस सिस्टम सेटिंग के बाद आपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाना है। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में सबसे पहले आप यूज़र वेरिएबल्स कन्फिगर करें। यूज़र वेरिएबल्स कन्फिगर करने के लिए आप पाथ पे जाएं, पाथ पे जाके एडिट करें। एडिट करने के बाद दो चीज़ें आपने यहाँ पे कन्फिगर करनी होती हैं, एक ये प्लेटफॉर्म्स और एक प्लेटफॉर्म्स टूल्स। ये कहाँ पे पड़े होते हैं, ये आप एंड्रॉयड स्टूडियो खोलें, एंड्रॉयड में फाइल में जाएं, फाइल में जाके आप देखेंगे अदर सेटिंग्स में जाएं, अदर सेटिंग्स में डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में, वहाँ पे आपके पास SDK का फोल्डर होता है। आप इस SDK फोल्डर को ओपन कर लें, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा प्लेटफॉर्म और ये प्लेटफॉर्म टूल्स। आप इसको प्लेटफॉर्म को यहाँ से कॉपी करें, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे आके आप पेस्ट कर देंगे। उसके बाद इसी तरह से आपने टूल्स में आना है, तो ये प्लेटफॉर्म टूल्स है, इसको कॉपी करें, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दें इसको, तो ओके कर दें, तो ये आपके दोनों क्रिएट हो जाएंगे। तो अगर आपको ये यहाँ पे नहीं नज़र आ रहे तो आपने न्यू एंट्री जानी है और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है, तो ये आपके यहाँ कन्फिगर हो जाएंगे। उसके बाद आपने कन्फिगर में देखना है सिस्टम वेरिएबल्स में एंड्रॉयड होम ऑलरेडी आ रहा होगा। अगर किसी के पास ये नहीं आ रहा तो इसको भी कन्फिगर करना है। इसको अगर नहीं आ रहा न्यू करें, तो यहाँ पे लिखें ANDROID एंड्रॉयड अंडरस्कोर होम। उसके बाद आपने ये पाथ देना है, ये पाथ आपको कहाँ से मिलेगा, एंड्रॉयड स्टूडियो में ये जो पाथ है ये आपने कॉपी करना है और ये यहाँ पे पेस्ट करके ओके कर देना है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपके पास जो है वो जावा होम का वेरिएबल कन्फिगर होना चाहिए। जावा होम के वेरिएबल्स ये कहाँ से आएगा, ये अगर नहीं है तो आपने न्यू करना है, यहाँ पे लिखना है जावा अंडरस्कोर होम और यहाँ पे इसका पाथ चाहिए, तो आप एंड्रॉइड स्टूडियो में जाएंगे, यहाँ पे जो भी ये पाथ JDK का है इसको कॉपी करें और इसको यहाँ पे पेस्ट करके ओके कर दें, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आपका जो है जेनीमोशन आपने चलाना है, उसका भी यहाँ पे पाथ में कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। सिस्टम वेरिएबल्स में पाथ पे जाएं, आप दबाएं और यहाँ पे आप न्यू करेंगे, तो जेनीमोशन यहाँ पे भी आपका इंस्टॉल है, उसका पाथ यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये इस यहाँ पे ऑलरेडी है तो ये उसका पाथ है, यहाँ पे पड़ा हुआ ये, तो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पेस्ट करके ओके कर दिया, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा जेनीमोशन का पाथ। तो ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स कन्फिगर हो गए हैं। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स कन्फिगर होने के बाद अब हम अपना कोड चलाते हैं, तो हम ओपन करते हैं वीजुअल स्टूडियो कोड को।